नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुबैर खान एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार और हम रतलाम लहसुन मंडी में, समय शाम 7 बजे का। जी हां दोस्तों, सीधी तस्वीरें आप रतलाम लहसुन मंडी की देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या, जो भी माल था वो सभी माल नीलाम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी बैलेंस या शेष माल कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, वो सभी माल जो है वो नीलाम जो है वो हो चुका है। तो अब क्या आवक की स्थिति है दोस्तों, आज जो भाव थे बहुत ख़राब कंडीशन थी दोस्तों, भाव की बहुत बुरे खुले थे, अच्छे नहीं खुले थे भाव, दो दो तीन तीन हज़ार रुपये की आज मंदी देखी गई। तो वो दोस्तों आज आवक की बात करें शाम 7 बजे तक, तो ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें रतलाम लहसुन मंडी से। ये अपन सीधे हाथ पे गेट की तरफ घुसते हैं, ये वो हिस्सा देख रहे हैं आप जो लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब ये हिस्सा आप नीम के नीचे मंदिर के सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि नीम के इधर से जो है ये वहाँ तक जो वो सब्जी मंडी है उसके सामने तक लगभग कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नीम के उस तरफ वाला जो हिस्सा है वो पूरा बचा है दोस्तों, वो पूरा खाली है, और नीम के इस तरफ वाला जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये लगभग वहाँ तक जो आखिरी तक जो प्लेटफॉर्म है गोदाम के पास वाला, वो भी कम्प्लीट होने वाला है। लगभग अच्छी खासी आवक अभी तक जो है वो रतलाम लहसुन मंडी में कल की नीलामी के लिए जो है वो पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी आवक पहुंच चुकी है। सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं सामने की तस्वीरें, ये जो सामने वाला हिस्सा है ये अभी पूरा खाली है, जो एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास वाला हिस्सा और उसके पीछे वाला हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, दो हिस्से पूरे खाली हैं, बाकी के सब लगभग जो है वो मुझे लगता है थोड़ी सी देर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बाहर भी 5-5, 10-10 करके वाहन की लाइन लगी हुई है बाहर भी अच्छी खासी, और 5-5, 10-10 करके वाहन अंदर की तरफ जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें, ये सब्जी मंडी के सामने जो गोदाम के पास में जगह खाली है वहाँ का हिस्सा देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर भी सभी वाहन लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ी सी देर में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सभी जगह पर वाहन लग रहे हैं। तो अगर अपन टोटल आवक की बात करें दोस्तों अभी तक रतलाम लहसुन मंडी में, तो ये मान के चलिए आप 3000 कट्टों से ऊपर की आवक जो है वो रतलाम लहसुन मंडी में हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 3000 कट्टों से ऊपर की आवक रतलाम लहसुन मंडी में हो चुकी है, और बाहर काफ़ी लाइन जो है वो ट्रैक्टरों की अभी खड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लाइन जो है ट्रैक्टर की खड़ी हुई है, गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, अच्छी खासी आवक जो है वो हमें कल भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी आवक जो है वो कल भी देखने को मिल सकती है, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो रतलाम लहसुन मंडी में चल रहा है, सभी अंदर आने के लिए जो है वो बेताब हो रहे हैं किसान, और जो है आज भी के मुकाबले मुझे लगता है कि इतनी ही आवक या इससे कुछ ज़्यादा आवक कम रहने की संभावना तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो बम्पर आवक दोस्तों कल भी हमें देखने को मिलेगी, किसानों से यही उम्मीद है दोस्तों, किसानों से यही कहना चाहेंगे कि अगर उनका कच्चा माल है तो उसको रोकें, पूरा पकाएं, उसके बाद ही मंडी लेके आएं, क्योंकि आज काफ़ी स्थिति ख़राब थी दोस्तों। आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, पका हुआ माल है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अगर कच्चा माल है दोस्तों तो आप थोड़ा सा रुकिए, उसको पकाइए, उसके बाद ही लेके आइए, क्योंकि आज काफ़ी जो है भाव डाउन देखने को मिला था। तो दोस्तों 3000 कट्टों के करीब की आवक, 3 से ऊपर ही आवक अभी तक रतलाम लहसुन मंडी में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।